हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। कुछ दिन पहले आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि DGCA ने जो CPL के लिए रिक्वायरमेंट्स है उसमें कुछ चेंजेस किया है, दैट इज 200 आवर्स को रिमूव कर दिया गया है या इसे रिड्यूस कर दिया गया है, एंड इससे रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स भी मुझसे शेयर किए थे। तो क्या है वो अपडेट्स, आइए देखते हैं। तो ये चेंजेस किया गया है एयरक्राफ्ट रूल 1937 के शेड्यूल 2 सेक्शन जे में, जिसमें CPL से रिलेटेड रूल्स मेंशन्ड हैं। इन टर्म्स को सुनकर आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट सिंपल वे में कहूँ तो इस एयरक्राफ्ट 1937 रूल में सभी रूल्स, रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड हैं जो बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, एंड इन्हीं रूल्स के अंडर DGCA को कुछ पावर्स दिया गया है टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन दिस रूल्स एज पर सिचुएशन डिमांड्स, जिसमें इन्होंने CPL इशू के लिए जो 5 इयर्स का रूल रखा था उसे रिमूव कर दिया है। मतलब पहले आपको CPL ऑब्टेन करने के लिए 200 आवर्स का स्पेसिफिक फ्लाइंग आवर्स रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना पड़ता था ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन विद इन प्रीसीडिंग 5 इयर्स। तो इसी 5 इयर्स को रिमूव कर दिया गया है। मीन्स अगर आपके पास 200 आवर्स है एज पर DGCA रिक्वायरमेंट्स, वो चाहे प्रीवियस 5 इयर्स में हो या 7, 8, 9, 10 इयर्स में भी हो, स्टिल आपको CPL इशू कर दिया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ दैट। लेकिन हाँ, जितने भी अदर रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे DGCA एग्जाम्स, RTR, मेडिकल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, वो आपका करंट एंड वैलिड होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ओल्ड रूल की कॉपी एंड न्यू रूल की कॉपी। यहाँ पे क्लियरली 5 इयर्स को हटा दिया गया है, एंड सेम गोज फॉर फॉरेन CPL कन्वर्जन प्रोसेस। तो इस रिलैक्सेशन से आपको ही फायदा है, खासकर फॉरेन CPL होल्डर्स को, क्योंकि कई बार अननेसेसरी डिले, DGCA एग्जाम्स और एनी अदर रीजन की वजह से ये रिक्वायरमेंट्स मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता था, या कुछ स्टूडेंट्स मेडिकली अनफिट होने की वजह से टाइम पे ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते, जिससे उन्हें काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता था करंट रहने के लिए ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है। बाकी प्रीसीडिंग 6 मंथ्स का जो रिक्वायरमेंट्स है वो एज इट इज वैसा ही है, एंड जो 200 आवर्स का रिक्वायरमेंट्स है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस या रिडक्शन नहीं किया गया है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि ये डिसीजन पायलट शॉर्टेज को देखकर लिया गया है। तो शॉर्टेज की क्या सच्चाई है वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है आई थिंक, एंड मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये था छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।